16वीं शताब्दी में बना भानगढ़ का किला आज भी रहस्यमय जगहों में से एक जाना जाता है। लोगों का मानना है कि आज भी इस किले में हजारों आत्माओं का साया है। भानगढ़ गांव में मौजूद किला अपने ऐतिहासिक खंडहरों से जाना जाता है। यहाँ कुछ हवेलियों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी भानगढ़ किले में रुकने की इजाज़त नहीं है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ बोर्ड लगाकर इसे भूतिया जगहों में से एक बताया है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ दिन के उजाले में भी अकेले जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। इस किले के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग शाम के समय यहाँ घूमने के लिए तो गए थे लेकिन वापस लौटकर नहीं आए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस किले में औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहाँ से अजीब सी गंध भी आती है, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो क्या है इस भानगढ़ किले की पूरी सच्चाई, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। भानगढ़ के महाराजा छत्र सिंह की रानी रानी रत्नावती तित्रवाड़ा की बेटी थी। वह बेहद रूपवती तो थी ही, साथ में तंत्र मंत्र की विद्याओं में भी प्रांगत थी। कहा जाता है कि सिंगा नाम के एक तांत्रिक ने भानगढ़ के बारे में जब यह सुना कि यहाँ तंत्र जादू टोना करने वालों का सम्मान किया जाता है, तो वो यहाँ आ पहुँचा और महल के सामने स्थित एक ऊंची पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर रहने लगा और साथ में जादू टोना करने लगा। तभी उसने पहाड़ से रानी रत्नावती को देख लिया और उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि बिना तंत्र शक्तियों का प्रयोग किए रानी रत्नावती तक पहुंच पाना असंभव है। दूसरा, उसे यह भी पता था कि वह जिसे पाना चाहता है वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि उसी राज्य की रानी है जहां उसे आश्रय मिला है। राजा को यदि उसके प्रयास की भनक भी मिल गई तो उसके प्राण बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। इसके बाद भी वह रानी को मन ही मन जाने लगा और राजा के डर के बावजूद उसे मन से नहीं निकाल पा रहा था। इस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्याओं के द्वारा ही रानी रत्नावती को वश में करने का फैसला किया। उसने कई बार छोटे मोटे प्रयास किए लेकिन वह सफल ना हो सका, हर बार असफल ही रहा। अपनी लगातार असफलताओं के कारण रानी को पा लेने की इच्छा उसके मन में बदला लेने की हद तक बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर सिंगा को इस बात का भी रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था कि रानी रत्नावती भी तंत्र विद्या की अच्छी जानकार है। यह बात ना मालूम होने के कारण ही तांत्रिक अंत में वह भूल कर बैठा, जिसके कारण ना केवल वह अपनी मृत्यु का बल्कि भानगढ़ किले के विनाश का कारण भी बना। हुआ ये कि रानी को हासिल न कर पाने की खिज और कई विफल प्रयासों के बाद उसने अपना आखिरी चाल चली। सिंगा ने रानी की एक महल की दासी को अपनी कुटिल चाल का हिस्सा बनाया। यह दासी जब बाजार से राजमहल जा रही थी तो तांत्रिक ने अपने वशीकरण मंत्र से बंधे एक तेल का कटोरा उस दासी को यह समझा कर दिया कि हम तंत्र सिद्ध बाबा हैं। रानी को यह तेल देना और उससे कहना कि इस तेल का उपयोग अपने शरीर पर करें, इससे उनका कल्याण होगा। राजमहल में पहुंचकर दासी ने तेल का कटोरा रानी के सामने रखा और जो भी घटित हुआ था वह रानी को बताया। साथ ही उसने तांत्रिक बाबा का हुलिया भी बयान किया। रानी ने उस तेल को परखने के लिए तेल पर अपना मंत्र की फूंक मारी, तेल घूमने लगा। अपनी सिद्धि से रत्नावती ने जान लिया कि तेल में वशीकरण के साथ ही मारक मंत्र व तंत्र का प्रयोग किया गया है। रानी को समझ आ गया कि तांत्रिक ने उसे अपने वश में करने के लिए यह तेल दासी के साथ भिजवाया है। रानी के क्रोध की सीमा न रही और इसी गुस्से में उसने उसी समय अपने सामने रखे तेल की कटोरी पर सिद्धि मारण मंत्र पढ़कर वहीं से सामने वाली पहाड़ी पर फेंका, जहां बैठा वह तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। तेल एक भयानक आवाज के साथ शिला के रूप में वहां से उड़ा और कहर बनकर तांत्रिक के ऊपर टूटा और सिंगा तांत्रिक वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहते हैं कि मरने से पहले वह श्राप दे गया कि मंदिर को छोड़कर सारा भानगढ़ साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे।
और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। तांत्रिक के श्राप के कारण वहाँ के सभी लोग मारे गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी उनकी आत्मा यहाँ भटकती है और आज भी जो लोग इस किले में घूमने जाते हैं उन्हें बुरी आत्माओं का एहसास होता है और इसलिए ही इसे भारत के सबसे भूतहा किलों में से एक गिना जाता है। आपको क्या लगता है 16वीं शताब्दी में बनाई है भानगढ़ का किला अपने अंदर कितने हजारों राज समेटे हुआ है? यह सारी कहानियां सच है या महज एक काल्पनिक बातें हैं? और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो भानगढ़ किले में जा चुके हैं या जिन्होंने भानगढ़ किले में जाने की हिम्मत की है? अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।